हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को गुड इवनिंग। और आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और ये भी आशा करते हैं कि कल जो हमने मैराथन क्लास कराया था उसका वीडियो फिर से आपने चेक किया होगा, फिर से क्वेश्चन आप रिवाइज किए होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन आप कर लोगे फायदे में आप उतना ज़्यादा। यहाँ पर डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। और तुम्हें मालूम है मास्टर सीरीज शाम को 7 से 8 चलती है और डेली चलती है संडे को छोड़ करके, और इसमें पूरी बायो से क्वेश्चन कराए जाते हैं। नीट के लिए 11th बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया है, हमसे बात कर सकते हैं। MS गुड इवनिंग, हर्ष गुड इवनिंग, साधना गुड इवनिंग, कैसे हो भाई तुम लोग। और इसी प्रकार से 12th की भी, अच्छा टारगेट नीट 2021, इसमें प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। 50 डे हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अर्पासन गुड इवनिंग, क्या हाल है। 50 सेट कराएंगे क्योंकि अब केवल 2 महीने अपने पास नीट के लिए शेष बचे हैं। अब नीट की हम अंतिम तैयारी करने जा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह मिश्रा क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है, नमस्कार। पीवी जॉट नमस्कार, कैसे हो भाई तुम लोग। तो अब नहीं हमको किसी भी, स्नेहल गुड इवनिंग, अब किसी भी हालत में हमको नहीं चूकना है। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब कुछ हम लेकर के आए हैं। आयरन मैन क्या हाल है, और खूब गोल मारते हो आयरन मैन। और पुष्पांजलि गुड इवनिंग, कैसी हो, हाउ आर यू। और देखा जाए क्या होता है। तो ये क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ रहेगा। तुम्हें मालूम है कोरोना वायरस को देखते हुए मैंने ईयर 9th 10th की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। सृष्टि गुड इवनिंग, और रवि राजन गुड इवनिंग। ईयर 9th 10th की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, और इनको पढ़ाने वाली जो मेरी फैकल्टी है, हो सकता है ऑल ओवर इंडिया के पास ऐसी फैकल्टी न हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मैथ इंजीनियर अंकित मिश्रा पढ़ाएंगे, और साइंस और सोशल साइंस डॉक्टर रश्मि मिश्रा और डॉक्टर रुचि मिश्रा पढ़ाएंगी। ये अपने अपने क्षेत्र के टॉपर रहे हैं, इनके आप अनुभवों को गेन करना चाहिए। वेरी गुड, फाइन ही होना चाहिए पुष्पांजलि। अजगर अली गुड इवनिंग, कैसे हो भाई। तो और इनमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री आप कास्ट है। और प्रैक्टिस सीट का आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। और एक बात तुमको और बता दें, फिजिक्स के क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन जब हम दिखाएंगे, सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोबारा आप जब क्वेश्चन करें तो वो सॉल्यूशन आप चेक कर लें कैसे सॉल्व किया गया है। रवि राजन आज बहुत खुश हो, ऐसे ही जीवन भर खुश बने रहो, हमेशा खुश रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज नहीं, हमेशा खुश रहिए। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लें। फिर से एक बात हम बताने जा रहे हैं, फिजिक्स के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और बाद में आप देखना कैसे सॉल्यूशन सॉल्व, कैसे सॉल्यूशन दिया गया है। स्वाति गुड इवनिंग, और कैसे सॉल्यूशन, कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। शिवांश गुड इवनिंग। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्टिंग कर रहे हैं। द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, पहला ऑप्शन दिया गया है 496 × 10^11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर क्या होगा।
अच्छा 1.496 इंटू 10^-11 मीटर, व्हाट इज़ द डायमीटर? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1.39 इंटू 10^9 मीटर, दूसरा है 1.39 इंटू 10^10 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1.39 इंटू 10^11 मीटर, नेक्स्ट है 1.39 इंटू 10^12 मीटर। और आप लोगों का कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इस क्वेश्चन का ये रहा आपका सलूशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे सॉल्व किया गया है ये मैंने बता दिया है। आप सलूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको देखना, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। आशा करते हैं सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन वेलोसिटी, दूसरा एक्सीलरेशन, तीसरा वर्क डन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 60 गलत है सर, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन भी तुम्हारे सामने आ चुका है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए लैटिन द वर्ड वेक्टर मींस, लैटिन में वर्ड वेक्टर की क्या मीनिंग है? पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है करियर, नेक्स्ट ऑप्शन है कैप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। और दुख की बात है, 3 का सभी का आंसर गलत है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है। सलूशन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इन लैटिन द वर्ड वेक्टर मींस कैरियर, सलूशन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। द लैटिन द वर्ड वेक्टर मींस कैरियर क्या होता है? कैरियर इसका मतलब होता है, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन सही है, किसी का आंसर नहीं सही था, सबका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 केजी इफ द मोजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन इज, पहला ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट है 8 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट है 16 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। और 4 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर सही है। आयरन मैन आपका आंसर गलत है, भट्टाचार्य आपका आंसर गलत है, 4 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देखना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके, और कैसे सॉल्व किया गया है इसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन बाई अ बॉडी अगेंस्ट फ्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट है गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 ऑप्शन है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, 5 का फर्स्ट आंसर सही है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ये रहा इसका सोल्यूशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन अ बॉडी डज नॉट वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी हेंस द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 ग्राम एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर रोटेट अबाउट इट एक्सिस विद अ एंगुलर स्पीड 100 रेड पर रेडियन पर सेंटीमीटर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा गया है 40 जूल सेकेंड, 400 जूल सेकेंड, 20 जूल सेकेंड और 200 जूल सेकेंड। देखते हैं क्या लगाते हो तुम लोग आंसर। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। भट्टाचार्य आपका आंसर गलत है, सिमरन ईरानी का आंसर सही है, रवि गलत आंसर है, आयरन मैन सही आंसर, कोनिका, कृतिका सभी के आंसर सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने होंगे, 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है और इसका ये सोल्यूशन रहा। नीता चोपड़ा सही आंसर है, जैनी सही आंसर, सृष्टि, एमएस सही आंसर। हर्ष बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। टू स्फीयर ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन गोइंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा सॉल्व करके आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन आपके सामने है, 7 क्वेश्चन आपके सामने है, सभी के आंसर गलत, किसी का भी आंसर सही नहीं है। 7 का फोर्थ ऑप्शन सही है, शिवांश गलत आंसर, 7 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सेमिरा नेरानी का वेरी गुड सही आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है। इसका ये रहा सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन इसका नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मोस्ट मटेरियल द यंग मॉडुलस इज एन टाइम द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वेयर एन इज। एन की वैल्यू पूछी गई है 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा हाँ सिमरन तुम्हारा सही है, सिमरन तुम्हारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी आंसर बताइए सॉल्व करके। शिवांश वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है, 8 का सेकंड ऑप्शन सही है, एन की वैल्यू 3 होगी, सेकंड ऑप्शन सही, एन की वैल्यू 3, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन 8 का है, नीटा बराबर क्या होता है 1/3 मॉडुलस और ये ऑप्शन दिया है एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाए, नीटा की वैल्यू पूछी गई है, नीटा की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर बेस्ड होते हैं और शिवांश का आंसर बिल्कुल सही है, 9 का फर्स्ट आंसर सही है, कोनिका सही आंसर है, सेमिरन सभी के, स्नेहल सबके आंसर सही हैं। ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड होता है तो 9 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड। भट्टाचार्य सही आंसर, 9 का फर्स्ट आंसर सही।
क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज हाईएस्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर आइस एल्यूमिनियम मरकरी। क्वेश्चन नंबर 10 और दुर्भाग्य की बात है 10 का सभी का गलत केवल सिमरन ईरानी का आंसर सही बाकी सबका गलत पीवी जॉट का आंसर सही बाकी सबका गलत है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है, याद रखना वाटर की होती है और ये इसका सलूशन है। क्या दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप वाटर की कितनी होती है 4186 और स्पेसिफिक हीट आप आइस की कितनी होती है 2060 और स्पेसिफिक हीट आप एल्यूमिनियम की कितनी होती है 900 और स्पेसिफिक हीट आप मरकरी की कितनी होती है 140। तो सबसे ज़्यादा किसकी है वाटर की है, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज मोस्ट पोलर। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज़्यादा पोलर बांड कौन सा है, जल्दी बताइए। वेरी गुड सिमरन ईरानी, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर सही है। सबसे ज़्यादा पोलर बांड कार्बन और फ्लोरीन के बीच का है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर आर, वाटर में अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है 4, 3, 2, 8। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड फर्स्ट ऑप्शन सही है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 होती है तो फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, पहला ऑप्शन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दिस, 13 का क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। 13, वेरी गुड सृष्टि, 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 0 होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होती है तो 13 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज, स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक बेस, स्ट्रांग बेस, न्यूट्रल, वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सभी के आंसर सही है, फर्स्ट वीक बेस होगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 होगा, कॉन्जुगेट बेस आप इस, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया, अच्छा दूसरा है कॉन्जुगेट बेस आप स्ट्रांग एसिड इज, वीक बेस, स्ट्रांग बेस, न्यूट्रल, अ वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट आंसर सही है, वीक बेस नहीं, 15 का क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस आप स्ट्रांग एसिड, हाँ सही है, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 15, वो 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड अपॉन, ये वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, द नेचर ऑफ द गैस, दूसरा है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था 14 दो बार हो गया था, वेरी गुड, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करता है, 15 का थर्ड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच कंपाउंड हैज लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी, किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्वेश्चन नंबर 16, किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वेरी गुड सैनी, फोर्थ ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड,
फोर्थ ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी है? LIF लिथियम फ्लोराइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ये चार स्टेटमेंट हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है अ कैटलिस्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरा है लो एक्टिवेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद फास्ट रिएक्शन। थर्ड है कैटलिस्ट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है द एक्टिवेटेड स्टेट रिप्रेजेंटेड हाई अनस्टेबल स्टेट। तो हमसे फॉल्स पूछा गया है, तो 17 का थर्ड आंसर सही है। वेरी गुड, सबके आंसर सही है 17 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड इज। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना है? 90, 73, 63, 53, 44, 45। तो देखते हैं 18 का क्या लगाते हो तुम लोग। 18 का सेकंड ऑप्शन सही है। शिवांश गलत है तुम्हारा, 18 का सेकंड ऑप्शन सही है। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 63। सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO का होल 5। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है, तो 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, 0 होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 19 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी गुड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आप देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक सेल इज चार्ज देन। जब इलेक्ट्रिक सेल को चार्ज करते हैं तब होता है वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल डाइल्यूट्स, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीज, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। जैनी ने सही आंसर दिया है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीज करता है। फर्स्ट ऑप्शन 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 21 क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज प्रिवेंटेड बाय द हार्मोन। प्रेगनेंसी के समय कार्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से कौन रोकता है? पहला ऑप्शन है SCG, दूसरा है HPL, नेक्स्ट है LH, नेक्स्ट है रिलैक्सिन। 21 क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं क्या तुम लोग लगाते हो। 21, वेरी गुड, 21 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी वेरी गुड, SCGH ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिक कार्बन प्रिवेंट करता है, 21 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22, कनेक्टिव टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रायनिक। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल, एंडोमीजोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल। 22 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। सिमरन ईरानी ने सही आंसर दिया है, 22 का फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। वेरी गुड, जिन लोगों ने फोर्थ लगाया उनका बिल्कुल सही है, कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है, ऊजेनेसिस टेक्स प्लेस इन। पहला स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ ओवरी, दूसरा है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ ओवरी, नेक्स्ट है फॉलिकल ऑफ ओवरी, नेक्स्ट है जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ ओवरी। ऊजेनेसिस कहाँ पर होती है? 23 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और 23 क्वेश्चन मिले जुले आंसर आए हैं। 23 का थर्ड आंसर सही है, फॉलिकल आप ओवरी। ऊजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है? फॉलिकल आप ओवरी, थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
24 क्वेश्चन, कॉपर्स लैंड आर फाउंड इन, कॉपर्स लैंड किस में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन फीमेल एम्फीबियंस, मेल मैमल्स, फीमेल मैमल्स, मेल मैमल्स, अब सेकेंड और फोर्थ एक जैसे ऑप्शन हो गए हैं। तो 24 का कॉपर्स लैंड किस में पाई जाती है? तो इसके दो ऑप्शंस कॉपर्स लैंड फाउंड इन, कॉपर्स लैंड, तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही हैं। ये मेल मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं कॉपर्स लैंड, सेकेंड और फोर्थ दोनों सही हैं, दोनों एक ही ऑप्शन है, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ट्रांसफर आप एंड ओवम आप अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब आप सरोगेट मदर इस ETIUD, IUT, GIFT, ZIFT, देखते हैं क्या कहते हो, 25 का क्या होगा। वेरी वेरी गुड, 25 का थर्ड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, GIFT कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमंस, इट ऑक्यूपाइज व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21, 22, 11, 9। तो 26 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड, सभी के आंसर सही, फर्स्ट ऑप्शन सही, मतलब क्रोमोजोम 21 में एबनॉर्मलिटीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA हाइब्रिडेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक DNA प्रोब इज डन थ्रू, पहला ऑप्शन है वेस्टर्न, दूसरा है नॉर्थन ब्लॉटिंग, नेक्स्ट है साउथर्न ब्लॉटिंग, नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्लॉटिंग। 27 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और वेरी गुड, 27 का थर्ड ऑप्शन सही, वेरी वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन सही, साउथर्न ब्लॉटिंग सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूजेस कंप्यूटर मेथड इन द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है प्रोटियोमिक, दूसरा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नेक्स्ट है मेटाबोलोमिक्स, नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। देखते हैं 28 का क्या तुम लोग बताते हो, 28 का सेकंड आंसर सही है, वेरी वेरी गुड, 28 सेकंड आंसर सही। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, हु प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, किसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था ये DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, एवरी एट एल, वाटसन एंड क्रिक, अर्बर एट एल, नेक्स्ट है मेंडल। 29 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वाटसन और क्रिप ने तो डबल स्टैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, इन्होंने प्रूफ नहीं किया था, फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब एवरी एट एल ने किया था और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टर ऑफ RNA, पहला ऑप्शन है कलेक्टर नहीं होगा, करेक्टर ऑफ RNA होगा, मतलब RNA का क्या करेक्टर नहीं है, RNA इज अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल, दूसरा है RNA म्यूटेट्स फास्टर देन DNA, RNA इवॉल्व्स ईजली, RNA इज कैटालिटिक, देखते हैं क्या बताते हो। 30 का थर्ड आंसर सही है, वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं, RNA इवॉल्व स्लोली ये कह रहे हैं जबकि फास्ट इवॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डेब्रीज इज बेस्ड ऑन,
पहला ऑप्शन है म्यूटेशन, वेरिएशन, एडाप्टेशन, रिप्रोडक्शन। 31 का फर्स्ट आंसर सही है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, फर्स्ट म्यूटेशन पर बेस्ड है। 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज नॉट फाउंड इन द वेक्टर। पहला ऑप्शन, वेक्टर में क्या नहीं मलेरियल पैरासाइट की स्टेज पाई जाती है? ऊकाइनेट, स्पोरोजॉइट, मीरोजॉइट, जायगोट। 32 का केवल सिर्फ और सिर्फ शिवांश का आंसर सही है, सुप्रीत का सही है, बाकी सबके गलत हैं। तो देखिए, वेक्टर जो है फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो है। फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो के अंदर ऊकाइनेट भी पाई जाती है, स्पोरोजॉइट भी पाए जाते हैं, जायगोट भी बनता है, मीरोजॉइट नहीं पाए जाते हैं। मीरोजॉइट ह्यूमन के अंदर बनते हैं। तो 32 का थर्ड ऑप्शन सही है। 32 थर्ड ऑप्शन हर्ष, थर्ड आप लगाइए। 32 आकाश गलत आंसर है, 32 का थर्ड आंसर सही है। थर्ड आंसर सही है, मीरोजॉइट ह्यूमन के अंदर बनते हैं, बाकी सब फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो के अंदर बनती हैं। क्वेश्चन 33, द वेक्टर ऑफ वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी इज। वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी का वेक्टर का काम कौन करता है? एडीस, क्यूलेक्स, एनाफिलीस, पेडिकुलस। 33 क्वेश्चन आर वेरी गुड, 33 का सेकंड आंसर सही, वेरी गुड, लाइन से सबके आंसर सही हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी को फैलाने का काम करती है, और वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी के इन्फेक्शन से एलिफेंटाइसिस डिजीज हो जाती है। सेकंड ऑप्शन सही। 34 है, हार्ट ड्रग इंक्लूड, हार्ट ड्रग के अंतर्गत कौन आती है इसमें? गांजा, चरस, टोबैको। 34 हार्ट ड्रग, वेरी गुड, 61st आंसर सही, वेरी गुड, पीवी जॉट, आयरन मैन, नीता चोपड़ा। नीता चोपड़ा गलत आंसर, और बाकी कोनिका गलत आंसर। फर्स्ट आंसर सही है, 34 का फर्स्ट स्मैक जो है वो हार्ड ड्रग्स होती है। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोड्यूस वैरायटी क्रॉप। पहला ऑप्शन है सोयाबीन, सोनोरा 64 और टेनचोंग नेटिव 1, ऑल ऑफ द अबव। 35 क्वेश्चन, वेरी गुड, 35 का फोर्थ ऑप्शन सही है। सभी के आंसर सही हैं, पीवी जाट आपका आंसर गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है, 35 का फोर्थ सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 36, द फंगस यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज। किस फंगस से सिट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लास्टिडियम, दूसरा सैक्रोमाइसिस, नेक्स्ट एस्परजिलस, नेक्स्ट पेनिसिलियम। 36 वेरी गुड, 36 का थर्ड ऑप्शन सही, और लाइन से सबके आंसर सही हैं, थर्ड, वेरी वेरी गुड, एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लार्ज होल इन स्विस चीज आर फॉर्म ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय। 37 का देखते हैं क्या लगाते हो। 37 वेरी गुड, सभी के आंसर सही, 37 का फर्स्ट आंसर सही है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सही आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, साइक्लोस्पोरिन ए यूज एस अमीनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज प्रोड्यूस बाई। इसको कहाँ से बनाया गया है? ट्राइकोडर्मा, मोनस्कस,
स्टेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस किससे प्राप्त किया गया है? 38 का वेरी गुड फर्स्ट ऑप्शन सही है। 38 मतलब ये ट्राइकोडर्मा से बनाया गया है, ट्राइकोडर्मा। 38 का फर्स्ट आंसर वेरी गुड, सभी के सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, एग हार्ट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, एग हार्ट किसकी हेल्प से बनाया जाता है? 39 के चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। 39 क्वेश्चन, नीता गलत आंसर, सुप्रीत, सृष्टि गलत आंसर, स्नेहल गलत, आयरन मैन गलत, और 39 सभी का आंसर गलत, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, सबके आंसर गलत। रवि राजन ने सही आंसर दिया, 39 का थर्ड आंसर सही है। यह घाव किसकी हेल्प से बनाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, बल्ग्यूरिकस एंड स्टेप्टोकोकस, थर्ड ऑप्शन सही है। अर्पासन, स्नेहल, थर्ड ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए। यग हार्ट किससे बनाया जाता है? थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 40, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंजाइम। पहला ऑप्शन है काइटिनेज, लाइसोजाइम, इको आर आई, हिन सेकेंड। 40 का देखते हैं क्या लगाते हो। 40 का फर्स्ट आंसर सही है, नीता तुम्हारा आंसर गलत। 40 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, काइटिनेज एंजाइम, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमंग हाइड्रोफाइट्स फैमिली फाइनली एसोसिएटेड लीव्स अकर्स इन, पहला रूटेड फ्लोटिंग लीव्स प्लांट, सबमर्स प्लांट, इमर्स प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। 41 का क्या होगा? 41 का सेकेंड ऑप्शन सही है, स्नेहल ने सही जवाब दिया है, सबमर्स प्लांट। क्वेश्चन है अमंग हाइड्रोफाइट फाइनली डिसोसिएटेड लीव आकर्षण सबमर्स प्लांट में पाई जाती है, सेकेंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डी इज एस अपान डब्ल्यू, एस अपान एन, एन अपान एस, डब्ल्यू अपान एस, क्या होगा? 42 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, और ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं भी गलत हुआ है, नीता ने सबसे पहले सही जवाब दे दिया है, थर्ड ऑप्शन सही है, एन अपान एस, एन अपान एस सही ऑप्शन है, नंबर अपान स्पेस सही आंसर, मतलब 42 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या दिया गया है? प्लेस ऑक्यूपाई एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इज, पहला ऑप्शन है हैबिट, दूसरा हैबिटेट, नेक्स्ट एडैफिक, नेक्स्ट है नेकी। देखते हैं 43 का क्या तुम बताते हो। 43 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सिमरन ईरानी गलत आंसर, फोर्थ ऑप्शन सही है, निक कहते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है गलतियां न होने पाए, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्लोज रिजेंबल्स इन द अपेरेंस ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई एंड क्वीन बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका एग्जाम्पल है? मलेरियन मिमिक्री, ब्रिटेशियन मिमिक्री, कॉमोफ्लेज, वार्निंग कलरेशन। देखते हैं क्या लगाते हो। 44 क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए भी हम निवेदन करते हैं आप लोगों से, 44 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 44 फर्स्ट ऑप्शन सही है, मलेरियन मिमिक्री कहा जाता है, मलेरियन मिमिक्री कहते हैं, ये ध्यान रखना।
महमूद अली, अर्पा हसन, नीता, सिमरन ईरानी फर्स्ट आंसर सही है, मलेरियन मिमिक्री। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड। लास्ट और स्टेबल इम्यूनिटी एरिया की क्या कहलाती है? पॉइनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, क्या कहते हैं? 45, 45 का सेकंड ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। 45 सेकंड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 46 क्वेश्चन। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन रिवर इकोसिस्टम इज, रिवर इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड कैसा है? ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, कांस्टेंट, डिक्लाइनिंग। 46 का फर्स्ट ऑप्शन सही है सृष्टि, ये गलत नहीं होना चाहिए था, आपका आंसर गलत हो गया है सृष्टि, ये क्वेश्चन किसी हालत में गलत नहीं होना चाहिए था। एनर्जी का पिरामिड हमेशा इरेक्ट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 47 क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज, पहला बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट। 47 देखते हैं क्या लगाते हो। अर्पा हसन, आपका आंसर गलत आ चुका है, अर्पा हसन गलत आंसर। 47 का फर्स्ट आंसर सही है, वेरी गुड, बोटेनिकल गार्डन। और ये क्वेश्चन जरूर भाई मेरा तैयार रखना, ये जरूर आ सकते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। तो बोटेनिकल गार्डन, तो क्या है एग्जाम्पल ऑफ एक्सेटिव बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जन? बोटेनिकल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एसिड रेन कास बाय, एसिड रेन किसके कारण होती है? SO2 SO3, SO2 CO, CONH3, CO2 NH3, देखते हैं 48 क्या लगाते हो। 48 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के जवाब सही हैं, 48 फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब एक निवेदन मेरा है कि जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये मेरा निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 49, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, 48 का फर्स्ट, 49। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा फंजाई, नेक्स्ट एल्गी, नेक्स्ट वायरसेस। तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, वेरी वेरी गुड। 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही, लाइकेन का यूज करते हैं, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। नॉइसेस क्या है? लाउड साउंड, अनवांटेड साउंड, कांस्टेंट साउंड, साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50 का सेकंड ऑप्शन सही है, लाइन से सबने सही आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड, 50 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब जल्दी से बताइए किसके कितने गलत और किसके कितने सही, जल्दी से बताइए। अर्पा हसन, सिमरन, नीता चोपड़ा सबके आंसर सही है, महमूद कैब, मोहम्मद कैब, सबके आंसर सही है, वेरी गुड। अब जल्दी से बताइए किसके कितने कितने गलत कितने सही। सिमरन, अच्छा आयरन मैन के 6 गलत, सिमरन ईरानी 3 गलत, रवि 4 गलत, जाट साहब 3 गलत और MS 4 गलत, कृतिका के 2 गलत, अर्पा हसन 3, स्नेहल तुम्हारे बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं भाई, वही नीता चोपड़ा 4 गलत हैं, 1 का आंसर नहीं दिया है, गलतियां ज़्यादा हैं नीता चोपड़ा, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, ज़्यादा 2। आकाश 4 इनकरेक्ट, सिमरन ईरानी
अच्छा वेरी गुड, फिजिक्स में एक गलत, वेरी वेरी गुड, और फिजिक्स में एक गलत है, केमिस्ट्री में एक गलत है, और बायो में एक गलत है, वेरी वेरी गुड। और तुमको मैंने फिजिक्स में सोल्यूशन भी सभी को दे दिया है, अर्फा हसन फिजिक्स में दो गलत, बायो में एक गलत, केमिस्ट्री में जीरो, वेरी गुड। कुमार रवि राजन फिजिक्स में दो, बायो में एक, केमिस्ट्री में एक। आप देखिए सबके मैंने सोल्यूशन दे दिया है फिजिक्स में, आप क्वेश्चन को घर से फिर से देखना। पीवी जाट सोल्यूशन मैंने दे दिया है, आप सोल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, मैंने इसीलिए सोल्यूशन भी दे दिया है तो इसलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रही है। जाट साहब हर क्वेश्चन का फिजिक्स में मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया है, सोल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन देखिए और क्लियर कर लीजिए। तो ठीक है, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, और अच्छे से रहना, कोरोना से अपने का बचाव करना। हाँ हर्षे और चेस ने दिया था डीएनए को जेनेटिक मटेरियल, ये ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए वो लगाया है मैंने, ये ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए मैंने लगाया है। कुमार रवि राजन ये बात ध्यान रखना।